हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले बहुपद से हमें दूसरे बहुपद में भाग करना है। ठीक है, और हमें जांच करनी है। जांच क्या करनी है, हमें बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये गुणनखंड कब होगा। ठीक, जब हम प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, जब हमारा शेषफल जीरो आ जाए यानी कि शून्य प्राप्त हो, तो हम कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, और अगर शून्य नहीं आता है तो हम सिंपली कह देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें तीन पार्ट दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इससे हम भाग देंगे 3x4 प्लस 5x³ - 7x² + 2x और + 2, इसमें हम भाग देंगे। तो चलिए इसकी कॉपी पर नोट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना, इस वाले पद की तरह बनाएंगे, यानी कि 3x की घात 4 बनाएंगे। तो चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, हम 3x की घात 4 में हम भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर से। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3x की घात 4 है, इसको हम लिखेंगे 3x की घात 4। ठीक है ना, और हम डिवाइड कर देंगे किससे, इस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स की घात चार को डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक्स की घात चार है तो 2 घात कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर बचेंगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 घात कम हो गई तो 2 घात बची, एक्स की घात 2। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो हम यहाँ पर सिंपली 3 भी लिख देंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 3x² की मल्टीप्लाई हम इस वाले पद में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3x². ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते, जब हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे x की घात 4। ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर सिंपली 3 भी आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3x² की मल्टीप्लाई हम 3x में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। ठीक है, तो 3 होते हैं 9, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 9 लिख देंगे। अब देखिए, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस यहाँ पर प्लस ही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम केवल एक्स में करेंगे, x की घात 3 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x² की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तो यहाँ पर केवल 3x² भी आने वाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपली 3x². ठीक है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो सिंपली यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको हम माइनस करेंगे। जब हम इसको घटाते हैं तो सिंपली इसके निशान चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये प्लस का है तो ये सिंपली माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए, 3x की घात 4 ये प्लस के और ये माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर देखिए, यहाँ पर प्लस के 5x³ हैं और यहाँ पर माइनस के 9x³ हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x³ आएंगे। ठीक है, और ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस के 7x² हैं और ये माइनस के 3x² हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस के हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर निशान माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 7 और 3 10। ठीक है, और x² हैं तो हम यहाँ पर सिंपली x² लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और 2x हैं, यहाँ पर हम 2x उतार लेंगे और प्लस 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, इस x² को हम -4x³ बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही सिंपल, -4x³ में हम डिवाइड देंगे x² से। तो चलिए देते हैं, यहाँ पर देखिए, हम डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, -4x³ में हम डिवाइड करेंगे x² से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर केवल x आएगा। ठीक है, और माइनस के 4 यहाँ पर सिंपली आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस -4x की हम मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए माइनस फोर एक्स की मल्टीप्लाई हम पूरे इस पद में करने वाले, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस फोर एक्स की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये केवल एक्स है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएंगे। और यहाँ पर माइनस चार हैं तो सिंपली यहाँ पर हम माइनस चार लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब हम देखिए माइनस फोर एक्स की मल्टीप्लाई हम प्लस के थ्री एक्स में करें, तो सबसे पहले हम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस चार की मल्टीप्लाई प्लस थ्री में करेंगे तो चार तीया बारह, ठीक है, तो हम यहाँ पर बारह लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एक्स है और यहाँ पर सिंपल एक्स है, ठीक है, तो हम एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने वाला। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो सिंपली यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस फोर एक्स की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस के फोर एक्स ही आने वाला है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम माइनस करते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो सिंपली इसके निशान चेंज कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस होने वाला है, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ऐसा करने से क्या होगा, फोर एक्स क्यूब माइनस के और ये प्लस के, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस दस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस के हैं और यहाँ पर ये बारह एक्स स्क्वायर ये प्लस के हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस के टू एक्स स्क्वायर आने वाला है। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ये प्लस के टू एक्स, ये प्लस के चार एक्स, तो चार और दो छः एक्स, तो सिंपली हम यहाँ पर छः एक्स लिख देंगे। यहाँ पर दो हैं तो सिंपली हम यहाँ पर दो भी उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को हम टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस टू की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पद बिल्कुल इस वाले पद की तरह सेम टू सेम बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, दो की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और जब हम टू की मल्टीप्लाई थ्री एक्स में करेंगे तो देखिए दो तीन छः, ठीक है, और एक्स है तो हम यहाँ पर सिंपली एक्स लिख देंगे, छः एक्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो की मल्टीप्लाई हम वन में करेंगे तो देखिए दो एकम दो, यहाँ पर देखिए सारे नंबर की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक, जब हम इसको घटाएंगे तो उसके सिंपली निशान चेंज कर देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस के और ये माइनस के कैंसिल आउट, छः एक्स प्लस के और माइनस के ये भी कैंसिल आउट, और ये दो प्लस के और ये माइनस के ये भी कैंसिल आउट, सिंपली जीरो बचा, ठीक है। तो हमने सिंपली पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके बता दिया है। और एक और हमसे कंडीशन पूछी गई थी कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, तो हमने बताया अगर शेषफल जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए इसको हम लिख के बताते हैं, तो सिंपली हम लिख देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।